हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्र प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्करी ट्रांजिट के बारे में, यानी 7 फरवरी से मर्करी ट्रांजिट हो रहा है कैप्रिकॉन साइन में और 27 फरवरी तक मर्करी कैप्रिकॉन साइन में रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैप्रिकॉन साइन का जो लॉर्ड है वो है शनि यानी सैटर्न, और सैटर्न 30 जनवरी से लेके 6 मार्च तक अस्त हैं। तो ऐसे में मर्करी का जो ट्रांजिट हो रहा है कैप्रिकॉन साइन में, क्या हमें उस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कैप्रिकॉन साइन का संबंध होता है आपके काम धंधे से, आपके करियर से, और जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी समाज को चलाने की जो एक प्रक्रिया है वो कैप्रिकॉन साइन से देखी जाती है। तो मर्करी अगर कैप्रिकॉन साइन में आ रहा है और जो उसका लॉर्ड है, मर्करी का लॉर्ड मतलब जहां पर मर्करी की प्लेसमेंट है यानी शनि, तो शनि तो कंबस्ट है। अब मर्करी जो है वो देखा जाता है फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोगों का संबंध फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, उन लोगों की लाइफ में क्या क्या हो सकता है? देखिए, मर्करी हमारा डेली का काम है, जो भी हम डेली का काम मैनेज करते हैं और जो भी अपना माइंड यूज करते हैं वो मर्करी से देखा जाता है। तो मर्करी अगर कैप्रिकॉन साइन में आ रहा है तो इस पीरियड में आप अपने काम धंधे को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका इतना बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्करी जिस साइन में है उस साइन का लॉर्ड शनि कंबशन में है यानी अस्त हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग काम नहीं करेंगे, काम भी करना जरूरी है, लेकिन काम का जो बेनिफिट है वो आपको 7 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। जैसे आप अपना कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बातें चल रही हैं, मीटिंग चल रही है, सारी चीज हो रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको 7 मार्च के बाद मिलेगा। शादी की बात चल रही है, पार्टनरशिप की बात चल रही है, कहीं पर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो सारी चीजें होंगी, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको 7 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारी चीजें होंगी लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको 7 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। तो कोई भी काम जहां पर आप अपना डेली का माइंड यूज करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो भी चीज कर रहे हैं वो आप करते रहें, लेकिन उसका बेनिफिट आपको 7 मार्च के बाद ही होने वाला है, क्योंकि 7 मार्च से पहले शनि आपका अस्त है। लेकिन आपके एसेंडेंट के हिसाब से अगर सैटर्न आपके लिए बेनिफिक है तो सैटर्न का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, सैटर्न की आप रेमेडी कर सकते हैं, सैटर्न के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, शनि के मंत्र का जाप तो कोई भी कर सकता है, चाहे आपका लगन के हिसाब से मर्करी या सैटर्न आपके लिए बेनिफिक है या बेनिफिक नहीं है, लेकिन मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। लेकिन जेमस्टोन सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जिनके लिए सैटर्न बेनिफिक है और मर्करी बेनिफिक है, दूसरे लगन वाले लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सैटर्न का जेमस्टोन पहन रहे हैं और आपका लगन अगर उसके हिसाब से सूट नहीं करता है तो आपको उसके कारण लॉस हो सकता है। और ऐसा योग अगर कुंडली के 6th हाउस में बन रहा है तो 6th हाउस का संबंध डेली के काम से है, 6th हाउस का संबंध आपकी जॉब से है, तो जॉब में जो भी आपको बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेगा। उसका जो बेनिफिट है मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है आपको 7 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। तो इस पीरियड में आपको काम करते रहना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन इसका बेनिफिट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई 10-12 दिन हो गए, 20 दिन हो गए काम हो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो समझ में सारी चीजें आएंगी लेकिन एक समय के बाद आएंगी। तो अभी आपको अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो करिए, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आगे चल के आपको मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी
आठ महीने के लिए केतु का एस्पेक्ट भी शनि के ऊपर है। तो केतु का एस्पेक्ट अगर शनि के ऊपर होगा तो आपको केतु का जो एस्पेक्ट है, शनि को जो केतु देख रहा है, तो ये आपको कंफ्यूज भी करेगा, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो इसलिए जो भी काम करें उसको प्रॉपर तरीके से करते रहें, लेकिन उसके बेनिफिट की तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। बेनिफिट होगा, अपने टाइम पर होगा, आगे चल के आपको इस चीज का बेनिफिट भी हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मर्करी ट्रांजिट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मर्करी के बारे में या सैटर्न के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।